प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संदेश में स्वदेशी सामान पर जोर देने की अपील की थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीनों और स्टोरों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री के आदेश जारी किए हैं। बताया जाता है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 10 लाख जवानों के परिवार के 50 लाख सदस्य इस कैंटीन का इस्तेमाल करते हैं। गौरतलब है कि मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने और लोकल प्रोडक्ट्स उपयोग करने की अपील की थी। इस दिशा में बुधवार को गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीनों और स्टोरों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। 1 जून 2020 से देशभर के सभी CAPF कैंटीनों पर यह लागू होगा, जिसकी कुल खरीद लगभग 2800 करोड़ रुपए के करीब है। इससे लगभग 10 लाख CAPF कर्मियों के 50 लाख परिजन स्वदेशी उपयोग करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं देश की जनता से भी अपील करता हूं कि आप देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग में लाएं, वो अन्य लोगों को भी इसके प्रति प्रोत्साहित करें। ये पीछे रहने का समय नहीं बल्कि आपदा को अवसर में बदलने का समय है। हर भारतीय अगर भारत में बने उत्पादों का उपयोग करने का संकल्प ले तो 5 वर्षों में देश का लोकतंत्र आत्मनिर्भर बन सकता है। अमित शाह ने कहा, आइए हम सब स्वदेशी उत्पादों का उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। जुबरान जरार खान के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, punjabkesari.com। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।